कौन से मेरा एक पीछे दिन थोड़ी है कि मैंने 50 कम कर दिए, चलो 100 कम करो, ठीक है 300 में नहीं आएंगे। 800 बता देना अपने आप ही, आप कहते हैं कि अरे 800 में तो मैं छोड़ के आई थी, 50 100 कम कर लिए, लो 100 ठीक। व्हाट्स अप गाइस, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग निकले हैं बंजारा मार्केट के लिए, हम वहां से अपने घर का कुछ सामान लेकर आएंगे। मैं पहले भी वहां पे गया हूं पर ज्यादा कुछ लेकर नहीं आया था। अब बने रहिए मेरे साथ, मैं सारी डिटेल शेयर करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो फ्रेंड्स, हम लोग बंजारा मार्केट पहुंच गए हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंप्स वगैरह मिल रहे हैं, कितने स्टाइलिश है। ये फर्स्ट शॉप है तो हम ज़्यादा यहाँ से कुछ लेंगे नहीं। मैंने अभी इनसे टेबल का प्राइस पूछा था तो बहुत ज़्यादा बताया था, क्योंकि इनको पता है लोग बहुत दूर दूर से आते हैं तो कभी कभी ओवर प्राइस चीज़ें भी होती है, तो यहाँ पे आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए अच्छे से। आते कुछ मतलब थोड़ा घूमो मार्केट को। यहाँ पे जो बुद्धा का स्टैचू था, मैं पहले भी ले जा चुका हूँ अपने लिए एक, तो मैंने यहाँ से नहीं लिया था, ये इन्होंने मुझे 1500 का बताया तो मैंने अभी नहीं लिया है। मैं आगे और जाके देखता हूँ कि मुझे कितने तक का मिल सकता है। और यहाँ पे छोटे छोटे स्कल्पचर्स हैं बहुत, आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें बहुत न्यू है, फ्रेश है, सब पे पॉलीथीन लगी हुई है, कोई ऐसा नहीं सेकेंड हैंड है। ये टेलीफोन था, बहुत एंटिक पीस है, अपने घर में आप शो पीस के लिए ले सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, इसकी फर्स्ट दुकान पे हमें इतना कुछ देखने को मिल गया तो मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पे लगा दिया था। जैसे कि अभी आप ये ट्रे देख सकते हैं, तो ये ट्रे बहुत स्टाइलिश है, बहुत हैवी मटेरियल की बनी हुई थी ये, और लेने का मूड नहीं था यहाँ से अभी भी कुछ भी। जैसे मैंने पहले बताया कि ये सिर्फ देखना था कि क्या क्या इनके पास नया है। आंटी जी को गुड बाय बोलते हैं और आगे चलते हैं अब हम लोग। ये रग मुझे पसंद आया पर भैया ने इस पे बिल्कुल भी पैसे कम नहीं किए तो मैंने इसको छोड़ दिया और मैं आगे चला गया। फिर यहाँ पर बहुत स्टाइलिश और सुंदर वॉल पेंटिंग्स मिल रही है जो आप लोग ले सकते हैं अपने घर के लिए। और भी स्टफ है, मैंने इनसे कुछ पूछा नहीं था क्योंकि मुझे पता है मेन रोड पे दुकान थी तो बहुत ज्यादा ही प्राइस बता रहे थे इन चीजों का। ये 800 लगा दी भैया, 800 में तो हमने छोड़ दिया, अब आप 800 रुपए ले जाओगे फिर हम ये छोड़ेंगे। इसका बताओ 3500 है। थोड़ा आगे चलने के बाद मैंने ये बाउल देखा, मुझे भैया ने ये 500 रुपए बताया, तो 500 रुपए के हिसाब से तो ये वर्थ है, ले सकते हो, सस्ता आपको कहीं ही मिलेगा। इसके पास में एक और शॉप थी, वहाँ पे स्टैचू और ये फाउंटेन वर्क के कुछ चीजें मिल रही थी, मैंने देखी। भैया ने इसके तो प्राइस कुछ ज्यादा ही बता रखे थे, ये बुद्धा का स्टैचू 7500 रुपए का था, तो ये तो मैं ले ही नहीं सकता, इतना मेरा बजट भी नहीं है। गाइज, यहाँ पे ना आपको अच्छे से नेगोशिएट करना आना चाहिए, ये लोग बहुत ज्यादा प्राइस बताते हैं क्योंकि इनको पता है कि कस्टमर प्राइस कम कराएगा ही कराएगा, तो थोड़ा हमें भी अजीब सा लगता है ज्यादा प्राइस कम कराते हुए, लेकिन आपको नेगोशिएशन अच्छे से आना चाहिए। अगर कोई कितना प्राइस बताए कोई बात नहीं, आप अपना एक प्राइस बोल दो, अगर उनको सुटेबल लगता है तो वो लोग दे देंगे, ज्यादा आप उनसे फिर बहस नहीं कर सकते क्योंकि आगे और भी दुकान है, वहां भी जाकर देख सकते हैं हम लोग। जैसे ये मुझे बहुत पसंद आया, ये बहुत यूनिक सा था, डिफरेंट स्टाइल में, मेरे को जल्दी से ऐसी चीजें देखने को मिलती नहीं है। ऑनलाइन भी आपको मिलेगा पर उतनी फाइन क्वालिटी का नहीं मिलेगा। ये मैंने भैया से सोफे का प्राइस पूछा तो इन्होंने मुझे 9500 का बताया था, 9500 तो कुछ ज्यादा ही है, थोड़े और पैसे मिला के तो मैं 7 सीटर सोफा ले सकता हूँ तो यहीं से ही लूंगा। तो जैसे ऐसे चीजें लोग सोचते हैं कि मतलब कस्टमर नए हैं तो कुछ भी प्राइस बताते रहो इनको। ये रंग मुझे पसंद आया, इसका प्राइस मैंने 4000 बताया था लेकिन मैंने इनको 800 रुपए बोल दिया और ये 800 रुपए में ही मान गए थे, तो नेगोशिएट करना आना चाहिए यहाँ पे आपको अच्छे से। गाइस, हम लोग कुली लेकर आए थे, हमारे कुली जा रहे हैं आगे। गाइस, हमारे शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, मार्केट गुड बाय बोल देते हैं। काफी बड़ा मार्केट है, काफी सारा सामान मिल जाता है, लेकिन ये एक चीज बताऊं उसके बारे में, अभी मैंने दुकान वाले भैया से पूछा, ये सारी चीजें दुकानें इनकी रेंट पर है, किसी बंदे की पूरी प्रॉपर्टी है और वो उनसे आगे रेंट ले लेता है। हे यो गाइस, अभी ब्लॉग खत्म करने का टाइम आ गया है, हम लोग पूरा मार्केट घूम चुके हैं, ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है क्योंकि थोड़ा कॉस्टली था, कहीं पे किसी ने बार्गेन नहीं करी, पर जो भी लिया है काम का लिया है, जैसे देखो ये सामान लेके जा रहे हैं और एक मैंने अपने लिए ये लिया है और 2-3 चीज़ और ली है, वो आगे मेरा कूली चला गया है। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।